हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ क्यू एन ए सेशन। तो आज का हमारा क्यू एन ए सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि आज मैं आपके गिटार रिलेटेड डाउट्स तो लेने वाली हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट मैं आपके सिंगिंग रिलेटेड और म्यूजिक रिलेटेड डाउट्स भी लूँगी। तो जिन लोगों ने लास्ट क्यू एन ए सेशन पे कमेंट किया था, अपने डाउट्स पूछे थे, और जिन लोगों ने मेरी मल्टीपल वीडियोस पे कमेंट किया था रिगार्डिंग देयर डाउट्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, स्किप मत करना। सो बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज क्यू एन ए सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको लेफ्ट में एक टैग दिख रहा होगा, यू हैव टू क्लिक दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। स्टार्ट करते हैं विद टुडेज क्यू एन ए सेशन। आपको क्या लगा था हम लोग वहाँ बाहर शूट करने वाले थे? वो गार्ड भैया ने मुझे इतना ही अलाउ कर दिया ना, वो भी बहुत है, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस के चक्कर में इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इतना भी उन्होंने शूट करने दिया तो भी बहुत है। बाकी आगे का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे घर पे ही। सो फॉर टुडेज़ क्यू एन ए सेशन मैं दो सॉन्ग रिक्वेस्ट भी लूँगी। वन सॉन्ग रिक्वेस्ट इज़ बाय विधि जैन ऑन द सॉन्ग यलगार, एंड द सेकेंड रिक्वेस्ट इज़ बाय म्यूजिकल लाइफ रिजा, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है फॉर द सॉन्ग मेहरमा। तो मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ में थोड़ा सा बता दूंगी अबाउट द कॉर्ड्स एंड ऑल, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको कॉर्ड स्विचिंग कैसे कैसे करनी है और आपको कौन सी कॉर्ड यूज करनी है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कमेंट ऑफ टुडेज क्यू एन ए सेशन, सबसे पहला कमेंट है मार्बल एजुकेशन एंड रोजीना रोज, इन दोनों का सेम ही डाउट है। एक बारी डाउट देखते हैं कि क्या है। हेलो मैम, रियली लाइक योर लेसन, कुड यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू ट्रांसपोज स्केल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। कैसे पता लगेगा कि जो सॉन्ग बॉय के लिए है किसी स्केल में, वो सेम सॉन्ग गर्ल्स के लिए किस स्केल में होगा, जो आप स्टार्टिंग में अलग अलग करके बताते हो? ओके, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैं अपने चैनल पे अलग अलग स्केल्स क्यों बताती हूँ। मैं बॉयज़ का और गर्ल्स का दोनों का स्केल अलग क्यों बताती हूँ, वो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि नेचुरली एक मेल और एक फीमेल की वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो सेम स्केल पे एक मेल और एक फीमेल नहीं गा सकते। तो इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ में गर्ल्स का स्केल अलग और बॉयज़ का स्केल अलग रखती हूँ। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको ये स्केल्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, हाउ टू फाइंड आउट द स्केल्स अकॉर्डिंग टू योर रेंज, कि आप ऐसे कौन से स्केल पे गा सकते हो जिस पे आपको गाने में कंफर्टेबल हो, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस, कि अगर आपको स्केल फिगर आउट करना है किसी भी सॉन्ग का कि आप कौन से स्केल पे गा सकते हो, फॉर दैट यू नीड टू लर्न वोकल्स। वोकल सीखना बहुत ज़रूरी है फॉर दिस थिंग, क्योंकि जब आप वोकल सीखते हो ना तो आपको पता चलता है कि आपकी रेंज क्या है, आप कौन से स्केल पे गाने को कंफर्टेबली गा सकते हो। सो फॉर दिस थिंग मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको एक्चुअली ये चीज़ सीखनी है कि कैसे आपको स्केल्स निकालने हैं, उसके लिए आपको वोकल सीखना पड़ेगा। द नेक्स्ट कमेंट इज़ बाय ड्राई नेशंस, इनका कमेंट है मैम कैन यू प्लीज़ शेयर सम टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू इम्प्रूव सिंगिंग। सिंगिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टिप्स हैं, मैं आपको थोड़ी सी टिप्स आज दे भी दूंगी, बट वो बेनिफिशियल तब होंगी जब आप एक प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग लोगे। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो इन द प्रोफेशन ऑफ म्यूजिशियन, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर आपको बेसिक्स, हाउ टू इम्प्रूव योर सिंगिंग, हाउ टू डू रियाज सही तरीके से कैसे करें, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। रिगार्डिंग द टिप्स हाउ टू इम्प्रूव सिंगिंग, सबसे पहले सुबह का रियाज बहुत ज़रूरी है, तो रियाज रेगुलर रखो, क्योंकि एक सिंगर के लिए सुबह का रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। एंड सेकेंडली ट्राई टू प्रैक्टिस अलंकार्स, अलंकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पलटे प्रैक्टिस करो, ताने प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। तो अब एक सॉन्ग रिक्वेस्ट ले लेते हैं बाय विधि जैन, जिन्होंने यलगार सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है बाय कैरी मिनाटी। आई एम जस्ट डूइंग दिस सॉन्ग ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ माई फॉलोअर विधि जैन, सो दिस इज़ फॉर यू। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। अ स्पेशल नोट आई वुड लाइक टू कन्वे यू बिफोर स्टार्टिंग विद दिस रैप, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई रैप सॉन्ग ट्राई कर रही हूँ, तो अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कर देना। आई डोंट नो कि ये मेरी वॉइस पे कैसा लगेगा, सूट करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं भी करे, अगर आपको पसंद ना भी आए तो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, बुरा लगे तो भी कमेंट करना। सो फॉर दिस सॉन्ग गर्ल्स का स्केल होगा ए माइनर, सिर्फ दो कॉर्ड्स यूज हो रही हैं, दैट्स अ प्लस पॉइंट। फॉर द गर्ल्स स्केल ए माइनर एंड एफ मेजर, एफ मेजर इन ओपन, एफ मेजर इन बार। बॉयज़ का स्केल होगा ई माइनर एंड द कॉर्ड्स आर ई माइनर एंड सी मेजर, दैट्स इट, ओनली टू कॉर्ड्स। नाउ द स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर दिस सॉन्ग विल बी डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप। इसके अंदर आपको हाफ रिदम पे शिफ्टिंग करनी है, मतलब आप डाउन डाउन मारोगे ए माइनर पे और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है स्ट्रमिंग पैटर्न का वो आप हिट करोगे एफ मेजर पे। सो डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप। तो कैसे हैं आप लोग?
एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला जो था मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने है सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही काला साया, वीडियो गिरा के पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा है देख मेरा पूल, तुम हो गए यहाँ के प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। द नेक्स्ट कमेंट इज बाय सुशांत श्रेष्ठ। इनका कमेंट है, मैम आई हैव वन रिक्वेस्ट, इफ यू कैन अपलोड सम वीडियोज ऑन सिंगिंग, दैट इज हाउ टू मैच द स्केल वाइल प्लेइंग गिटार। अगेन दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, दैट हाउ टू फिगर आउट द स्केल ऑन गिटार अकॉर्डिंग टू योर रेंज और अकॉर्डिंग टू योर स्केल, कि आप कौन से स्केल पे कौन सा गाना गा सकते हो। सो दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू द फर्स्ट कमेंट जो मैंने अभी लिया था। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आपको ये जानना है कि आप कौन से स्केल पे गिटार पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप कंफर्टेबली गा सकते हो, फॉर दैट टू फिगर आउट दैट स्केल यू नीड टू लर्न वोकल्स फर्स्ट। वोकल्स के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं यार, जैसे आप आगे एडवांस गिटार सीखोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप स्केल्स कैसे फिगर आउट कर सकते हो किसी गाने का, या फिर आप किसी गाने की लीडिंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। वो अगर आप और आगे सीखोगे, एडवांस सीरीज सीखोगे, तो आपको पता लगेगा। सो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और अगर आपको वोकल सीखने में इंटरेस्ट है तो वोकल ज़रूर सीखो, दिस थिंग विल रियली हेल्प यू इन फाइंडिंग द स्केल्स ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट। द नेक्स्ट कमेंट इज़ बाय राखी अरोड़ा, मैम इफ़ यू आर डूइंग अ लेसन ऑन बार कॉर्ड्स, मैम प्लीज़ डू टेल द पॉइंट वेयर वी हैव टू एग्जर्ट मोर प्रेशर। ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग बार कॉर्ड, हाउ टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बार कॉर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, आपको नॉर्मल प्रेशर लगाना है, जैसे आप नॉर्मल किसी कॉर्ड को होल्ड करते हो उस तरीके से आपको कॉर्ड को होल्ड करना है। कुछ ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर भी नहीं लगा देना है कि आपकी फिंगर्स पेन करें। इसलिए मैं कहती हूँ कि सिंसियरली एक महीना अपने आप को दो ऑन बार कॉर्ड्स और रेगुलर प्रैक्टिस करो। एंड अबाउट वेयर टू एग्जर्ट प्रेशर, इतना प्रेशर नहीं लगाना है आपको, प्रेशर वहीं पे अप्लाई करना होता है जहाँ पे आपने बार कॉर्ड पकड़ी है। नॉर्मल सा प्रेशर लगाओ, जैसे आप किसी चीज़ को अच्छे से होल्ड करने में लगाते हो उस तरीके से नॉर्मल प्रेशर लगाओ। फॉर श्योर मैं इस पर एक लेसन बनाऊंगी, बट जब भी बार कॉर्ड की पूरी सीरीज बनाऊंगी तो उसमें मैं लेसन ज़रूर इंक्लूड करूंगी। सो थैंक्स फॉर द सजेशन, अच्छा टॉपिक दिया आपने। द नेक्स्ट कमेंट इज़ बाय वैशाली भिष्ट, इन्होंने लिखा है, मैम इज़ इट पॉसिबल टू फिक्स द स्ट्रिंग्स एट होम, इफ़ येस देन हाउ कैन वी डू दैट। येस इट इज़ पॉसिबल टू फिक्स द स्ट्रिंग्स एट होम, आप घर पे ही स्ट्रिंग्स चेंज कर सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले मेरी गिटार की स्ट्रिंग टूटी थी, अगर मुझे ध्यान में होता तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बना लेती। अब जब भी नेक्स्ट मेरी गिटार की स्ट्रिंग कभी टूटेगी तो मैं प्रॉपर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज कमेंट। आज का हमारा Q&A सेशन द डाउट सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। एक सॉन्ग रिक्वेस्ट रह गई है, वो मैं अभी लूँगी इसके बाद इन दी एंड। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करके। आई डोंट नो आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, बट अगर हुए हैं देन डू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। तो अब सेकेंड सॉन्ग रिक्वेस्ट ले लेते हैं, विच इज़ मेहरमा। फॉर द सॉन्ग मेहरमा, गर्ल्स का स्केल होगा सी मेजर एंड द कॉर्ड्स आर सी मेजर, ए माइनर, जी मेजर एंड एफ मेजर। बॉयज का स्केल होगा जी मेजर, द ओरिजिनल वन इज ऑल्सो जी मेजर। तो जी मेजर, ई माइनर, डी मेजर एंड सी मेजर। तो इस सॉन्ग के लिए स्ट्रमिंग पैटर्न क्या होगा, डाउन अप चक अप, अप चक अप, डाउन अप चक अप, अप चक अप। नाउ हाउ यू हैव टू प्ले चक, यू हैव टू म्यूट द स्ट्रिंग यूजिंग योर पाम। आपको अपने पाम से स्ट्रिंग्स को म्यूट करना है और आपको हिट करना है इस पिक से इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड सी, इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड सी। सो डाउन अप चक अप, अप चक अप। साए में जगा चाहा बहुत बार है, ना कभी कहीं मेरा दिल लगा, कैसा समझदार है।
क्या पता, ओ महरमा क्या मिला, यूं जुदा होके बता, यूं जुदा होके बता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे अपने डाउट्स पूछते हो, गिटार रिलेटेड डाउट्स, सिंगिंग रिलेटेड डाउट्स, म्यूजिक रिलेटेड डाउट्स। सो कंटिन्यू टू कीप आस्किंग योर डाउट्स लाइक दिस ओनली। एंड लेट मी रिमाइंड यू अबाउट सब्सक्राइबिंग माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। एंड ड्रॉप योर गिटार रिलेटेड एंड सिंगिंग रिलेटेड डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। पता ओ महर